की गांठ लाने निकली महिला की हत्या कर शव फेंका कुएं में, दुष्कर्म की आशंका। पंचमाधव पंचायत के बसरिया में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतिका की पहचान 40 वर्षीय कलावती देवी पति प्रसादी यादव के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका सुबह 11 बजे अपने घर से अरहर की गांठ लाने खेत निकली थी। देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों के द्वारा छानबीन प्रारंभ किया गया, जिसका कुछ भी पता नहीं चला। सोमवार की सुबह लगभग 4 बजे गांव के ही रोजी मियां के कुएं में शव का पता चला। शव का पता चलते ही मामला पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गया। सूचना मिलते ही बरही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। शव को कुएं से निकाला जा चुका है, जिससे अपराधियों के द्वारा हाथ पैर बांध और आँख फोड़कर कुएं में डाला गया था। घटनास्थल पर उपस्थित ग्रामीण दुष्कर्म के आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए खोजी कुत्ता बुलाने की मांग कर शव को घेरे हुए हैं। घटनास्थल पर स्थानीय निर्माण मुखिया हरेंद्र यादव, विधायक सह 20 निवेदन समिति के सभापति उमा शंकर अकेला यादव, सांसद प्रतिनिधि गणेश यादव सहित कई समाज सेवी पहुंचकर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। घटना के संबंध में विधायक ने कहा कि इस प्रकार की घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। उन्होंने तत्काल पुलिस अधीक्षक से बात कर अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। इस मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर शहर थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह दलबल के साथ उपस्थित थे। मृतिका के पति आंध्र प्रदेश में वाहन चलाते हैं। सूरज यादव, जो कि 70 वर्षीय, रोशन यादव 19 वर्षीय उनके बेटे हैं। खबर 365 न्यूज के लिए बरही से जयदीप के साथ अमित सोनी की रिपोर्ट। उनकी जानकारी के अनुसार 11 बजे निकले, लेकिन हम लोग तो हमको मतलब खास करके शाम को पता चला, जैसे गाँव घर में पता चलता है ना, जंगल 12 बजे तक पहुँचे। उसके बाद सब बड़ा बोला जो होगा सुबह खोजे हैं, सबको थक भी गया था खोजते खोजते। जब सुबह जब उसका घर का अगल बगल के लोग आया